Our next award goes to Sunam Lama, he said, the incredibly cute, in Nepal. Tasidilik and good evening, everyone. This is the most delightful day for me, my colleagues, and for the red pandas, who must be sunbathing and munching bamboo leaves in the foothills of the Himalayas. नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक नेपाली और उनके काम ने पूरी दुनिया को इंस्पायर कर दिया और इसके लिए उनको मिला दुनिया का एक बहुत ही ज्यादा सम्मानित एक अवार्ड साथ ही साथ 6.2 मिलियन रुपीस और इन्होंने जो काम किया वो जुड़ा है एक जीव से जो कि है रेड पांडा। इसको शायद आपने देखा होगा नेपाल में और अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज तक दुनिया में जो कोई नहीं कर पाया वो इस नेपाली ने करके दिखाया जो कि बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। ये जीव बहुत ही खास है नेपाल के लिए साथ ही साथ दुनिया के सभी लोगों के लिए, तो इसीलिए दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है साथ ही साथ हर एक नेपाली के लिए भी। उसमें काफी मेहनत करके ढूंढ ढूंढ के ऐसे ही खास नेपालियों को दुनिया भर से आपके सामने रखता हूँ जो कि एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है साथ ही साथ पावर का भंडार है। ये सभी नेपाली कहीं ना कहीं नेपाल को और बेहतर बना रहे हैं और हम सबको इंस्पायर भी कर रहे हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें जितने लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज तक, क्योंकि ये है नेपाल के एक असली हीरो जिनको सबको जानना बहुत जरूरी है। मैं खुद इन सबसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ज्यादा ऐसे लोगों को आपके सामने रख सकूँ और हर किसी को मोटिवेट कर सकूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल का बटन है उसको दबा लीजिए ताकि ऐसे ही रियल और ओरिजिनल कंटेंट आप तक पहुँचते रहे। साथ ही अगर आप मुझसे और ज्यादा जुड़ना चाहते हो तो मेरे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जो कि है आई एम शिवम, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है ये रेड पांडा, इनका नेपाल से क्या कनेक्शन है, ये नेपाल के लिए क्यों जरूरी है, साथ साथ नेपाल के सोनम लामा ने ऐसा क्या किया कि दुनिया के सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड को और साथ ही साथ 6.2 मिलियन रुपीस उनको दिए गए और ये अवार्ड क्यों इम्पोर्टेंट है नेपाल के लिए। तो चलिए पहले जानते हैं नेपाल में रहने वाले इस रेड पांडा के बारे में। दोस्तों ये रेड पांडा, इनका नाम तो पांडा है लेकिन इनका रिलेशन वो चाइना वाले बड़े पांडा से नहीं है। ये रेड पांडा जीनस एलुरस और साथ ही एलुरिडे फैमिली का एकमात्र जीवित सदस्य है और इसीलिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको बता दें कि इन रेड पांडा को करीबन 193 सालों से स्टडी किया जा रहा है लेकिन फिर भी बहुत कम ही नॉलेज इनके बारे में है। ये नेपाल के हिमालयन फॉरेस्ट के एक एंडेंजर्ड स्पीसीज में से एक है, यानी इनकी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है और इनको चाइना साथ ही साथ हिमालयन रीजन में पाया जाता था जो कि इंडिया नेपाल और चाइना का है, लेकिन इनकी तादाद काफी ज्यादा इस रीजन से घट गई है। इनके बहुत कंजर्वेशन के बाद भी इनकी बहुत ज्यादा तस्करी होती है, शिकार होता है और इनकी संख्या कम होती जा रही है। आपको बता दें कि जंगली रेड पांडा के ऊपर काफी कम अध्ययन किए गए हैं और ज्यादातर ये चाइना नेपाल और इंडिया में ही किए गए हैं और इनके अध्ययन से काफी चीजें निकल के आई है कि इनको कंजर्वेशन की बहुत जरूरत है और लोकल सिटीजन साइंटिस्ट की बहुत जरूरत है इनको बचाने के लिए और साथ ही जरूरत है इन रेड पांडा की स्टडी की जिससे पता चले ये किस देश में और ज्यादा पाए जा रहे हैं, साथ ही साथ इन पर क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ रहा है, इनको कैसे इकोसिस्टम पसंद है और इनकी हैबिटेट कहां सबसे ज्यादा है और ये मूव कैसे करते हैं सीजन चेंज होने पर। आपको बता दें कि हाल ही में रिसर्च में दोनों रेड पांडा की प्रजातियां पाई गई हैं और इससे पता चलता है कि इनके बारे में बहुत कम चीजें पता है और लगता है कि इन पर और अध्ययन होने चाहिए क्योंकि ये ज्यादातर एशिया में पाए जाते हैं और माना जा रहा है कि इनकी संख्या करीबन 10,000 से कम है और कहा जा रहा है कि पिछली 3 जनरेशन से इनकी संख्या करीबन 50% तक गिर गई है जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और ऐसी अगर इनकी संख्या गिरती रही, शिकार होता रहा तो ये कहीं नहीं बचेंगे धरती पर। तो अब जानते हैं कि नेपाल में इस रेड पांडा की क्या हालत है, साथ ही साथ क्या चुनौतियां इनके लिए फेस करनी पड़ रही हैं। तो नेपाल से रेड पांडा का एक गहरा नाता है और आज के समय माना जा रहा है कि 1000 रेड पांडा नेपाल के 24 डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं जो कि अलग अलग 400 जगह हैं और नेपाल में 70% जगह जहां ये पाए जाते हैं वो अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन से बाहर है और नेपाल का मेनली कम्युनिटी फॉरेस्ट है तो इसीलिए इनके ऊपर और खतरा है। तो आपको बता दें कि नेपाल ने इन रेड पांडास को प्रायोरिटी दी थी और इनका कंजर्वेशन 1980 से शुरू किया था लेकिन तब भी इनकी पॉपुलेशन में गिरावट ही आई क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, पोचिंग यानी कि शिकार होता है सिर्फ कम पैसे की वजह से और कम जागरूकता की वजह से। आपको बता दें कोविड-19 के ही समय ये एक चैलेंज बन गया था नेपाल में, इनको काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा था और उस समय इन रेड पांडा का काफी ट्रैफिकिंग शुरू हुआ था, साथ ही साथ काफी ज्यादा शिकार भी हुआ था और इसीलिए नेपाल में इन सब चीजों को कलेक्टिव वे से टैकल करने की जरूरत थी। तो आप जानते हैं नेपाल के सोनम लामा को साथ ही उनको मिला इतना बड़ा अवार्ड क्या है और उन्होंने आखिर किया क्या है। तो नेपाल के सोनम लामा को एक प्रेस्टीजियस अवार्ड मिला है जो कि है विस्ली अवार्ड जो कि मिला है यूके कंजर्वेशन चैरिटी से और साथ ही साथ मिला है विटली फंड फॉर नेचर यानी कि WFN और दोस्तों ये अवार्ड सपोर्ट करता है कंजर्वेशन का और दुनिया भर के
6 चुनिंदा लोगों को ये अवार्ड एक साल में दिया जाता है। लेकिन अभी के लिए 2022 में सोनम लामा को मिला है बिस्ली अवार्ड और साथ ही 6.2 मिलियन रुपीस उनके काम के लिए। आपको बता दें कि सोनम लामा नेपाल के एक छोटे से विलेज से हैं और उन्होंने ही बताया कि उनके पिता ने बचपन में इसका शिकार किया था और उसका एक स्केयर क्रो बनाकर खेत में लगा दिया था। उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पर ही बताया कि बचपन में उन्होंने उस शिकार किए हुए रेड पांडा से खेला भी, लेकिन तब उनको इस चीज की नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब बाद में उनको इसके कंजर्वेशन और इसकी अहमियत का पता चला तो उन्होंने इसको बचाना शुरू किया और जो कि आज काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। नेपाल में रेड पांडा पर कंजर्वेशन का पूरा श्रेय जाता है इन्हीं को, जो कि है सोनम लामा। इन्होंने कई बड़े काम कर दिए इसको बचाने के लिए, क्योंकि इन रेड पांडा को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने लिस्ट किया हुआ है क्रिटिकल इंडेंजर स्पीशीज में, और नामा ने इनको बचाने का जिम्मा अपने सर पर ले लिया और जमीनी स्तर पर वो लग गए। आपको बता दें कि इन्होंने पिछले 2 सालों से बहुत सारी ब्लैक मार्केटिंग और इनके शिकार पर रोक लगवाई, और आमतौर पर माना जाता है कि नेपाल में हर 10 दिन में एक रेड पांडा का शिकार होता है, जो कि एक बहुत भयंकर नंबर है। और अगर ऐसे ही होता रहता तो कहीं ना कहीं ये रेड पांडा बिल्कुल बचते ही नहीं नेपाल में। लेकिन सोनम लामा इन सब के सोल्यूशन के पीछे लग गए। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखो सोनम लामा एंड रेड पांडा अगर आपको इनका काम अच्छा लगता है। दोस्तों आप जानते हैं कि सोनम लामा ने रेड पांडा को लेकर किया क्या? दोस्तों सोनम लामा ने जो किया वो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, पर इसके लिए जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जो कि इस नेपाली के खून में भर के था। सोनम लामा ने रेड पांडा नेटवर्क बनाया जो दुनिया का सबसे बड़ा रनिंग मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट है, यानी कि इस रेड पांडा की हरकतों पर नजर रखना, इनके बिहेवियर पर नजर रखना, जिसके तहत करीबन 10 वाइल्ड रेड पांडा को GPS कॉलर लगाया गया और सैटेलाइट कनेक्शन के ही जरिए इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रही, जिसे इनके नेचर को जानने में बहुत ज्यादा सहूलियत हुई, जिसके जरिए लामा को पता चला कि ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट पीक कंचनजंगा पर बहुत ज्यादा रहते हैं। तो वहाँ पर जाकर लामा और उनकी टीम ने करीबन 400 हेक्टेयर की जगह को रिस्टोर किया, जिससे इनको बचाया जा सके, यानी कि रेड पांडा के हैबिटेट को बचाया और अपना पैसा भी लगाया, और उसी के साथ उन्होंने कॉमन लोगों को भी इसके लिए बहुत ज्यादा प्रेरित किया। आपको बता दें कि लामा ने ही रेड पांडा इको टूरिज्म खड़ा किया, जिसके जरिए बाहर से लोग आके इन रेड पांडा को देख सकते थे, और इसके जरिए जो लोकल कम्युनिटी वहां पर थी वो काफी ज्यादा इनकम बना पा रही थी, यानी कि लोकल लोगों को इन रेड पांडा को बचाने के लिए उन्होंने ही प्रेरित किया, और ये बदलाव कहीं ना कहीं नेपाल में लामा की वजह से ही आया। साथ ही साथ लामा ने एक और बड़ा काम किया। लामा ने करीबन 100 से भी ज्यादा आम लोगों को, आम सिटीजन्स को सिटीजन साइंटिस्ट बनाया, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जिससे वो हेल्प कर सके इन रेड पांडा को, क्योंकि 100 हाथ इनको और ज्यादा संरक्षित करेंगे और साथ ही इनकी छोटी मोटी दिक्कतों को हैंडल कर सकेंगे। और लामा यहीं पर नहीं रुके, लामा 100 से भी ज्यादा स्कूलों तक स्टूडेंट रेड पांडा कंजर्वेशन स्कॉलरशिप देने लगे, जिसके जरिए इसको बच्चों तक लाया गया और इसके कंजर्वेशन पर यूथ को लगाया गया। साथ ही साथ लामा ने इसमें वुमेन्स को भी इंक्लूड किया और कई औरतों को इनकी ट्रेनिंग दी और इनको बचाने के लिए लगाया। लामा ने इनके प्रोटेक्शन के लिए औरतों, यूथ और कई लोगों को जोड़ा, और वो चाहते हैं कि और लोग उनसे जुड़े जिससे इनको बचाया जा सके, और साथ ही साथ एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया जो कि कंजर्व करता है इन रेड पांडा को। और इंडिया और नेपाल के बीच में जो भी इन रेड पांडास को देखने आता है या फिर वर्ल्ड वाइड जो भी रेड पांडा को देखने आता है, तो उनके लिए एक इजी पाथ बनाया इनको देखने के लिए, जिससे टूरिज्म में भी एक बड़ा इजाफा होता है। और उनके इसी सारे काम के लिए सोनम लामा को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया गया और इतना बड़ा अवार्ड दिया गया, और साथ ही एक बड़ी धनराशि भी दी गई जिसको वो और ज्यादा लगाएंगे इन रेड पांडा को बचाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए नेपाल में, जो कि हर एक नेपाली के लिए अच्छा है और गर्व की बात है। साथ ही अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि हम इस चैनल पर ऐसे ही काम करते रहें, तो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं ये थैंक्स वाला बटन दबा के और अपनी सपोर्ट राशि हम तक भेज कर। तो ये थे नेपाल के सोनम लामा और इनका काम। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बाजू में बेल का बटन है उसको दबा लीजिए, ताकि लेटेस्ट और ओरिजिनल वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहे। धन्यवाद NI News।